हेलो व्यूअर्स, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के अंतर्गत एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम रेट कांस्टेंट एंड लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्टिव एनर्जी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के स्टार्टिंग में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज एंड सेटर-बोमन इक्वेशन। जब हम किसी मॉलिक्यूल को लाइट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स में अणु में लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर रहते हैं और पेयरिंग अवस्था में होते हैं। इस अवस्था को हम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट इज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, हम इसको सिंगलेट ग्राउंड स्टेट क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम काउंट करते हैं। एस यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन को काउंट करता है। हमने यहाँ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है 2s+1 एंड इट इज कॉल्ड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी अणु में उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ s जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताता है। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पर है, लाइट को एब्जॉर्ब उन्होंने नहीं किया है, उस समय एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कहलाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में लाइट के डालने के बाद, लाइट के अवशोषण के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, उच्च अवस्था में जाता है, संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। इस ट्रांजिशन होने पर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को नहीं बदलता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो परिवर्तित नहीं हुई है। स्पिन परिवर्तन ना होने की वजह से उसकी जो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कैलकुलेट करेंगे, s बराबर 1/2 दूसरे की -1/2, इट इज इक्वल टू 0। अब हम इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है 2s+1, 2 × 0 + 1, इट इज इक्वल टू 1। सो इट इज कॉल्ड सिंगलेट। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। When the spins are parallel, अब हम देखेंगे कि जब spins parallel होती हैं, तब क्या होता है? Ground state पर electrons हैं, ये दोनों electrons ground state पर हैं, paired हैं, light को absorb करेंगे, एक electron excited state पे गया और उसने अपनी spin को change कर लिया। Spin change करने पर जो हमारी total electron spin है वो बदल जाएगी 1/2 + 1/2, it is equal to 1। May be possible, मान लीजिए कि दोनों -1/2 - 1/2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो टोटल मल्टीप्लिसिटी 2 × 1 + 1, 2s+1 के फॉर्मूले में हमने रखा 2 × 1 + 1, इट इज इक्वल टू 3। सो 3 इट इज कॉल्ड द ट्रिपलेट स्टेट एंड इट इज कॉल्ड द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। इट इज जेवलोस्की डायग्राम। जब हम किसी मॉलिक्यूल को प्रकाश देते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रिय हो जाते हैं। When we gives light to the molecules, molecules get excited or active and participate in a chemical reaction. मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उस अवस्था में उसके जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूल अवस्था में, उस समय मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट पे होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। यह मॉलिक्यूल पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। इट इज सिंगलेट, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इट इज सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और S1 या S2 में एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो अपनी स्पिन को चेंज नहीं करता है, ये स्पिन उसकी चेंज नहीं हुई। S2 से S1 जब वापस वो आता है, इट इज द इंटरनल कन्वर्जन, और इस इंटरनल कन्वर्जन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होती है, इट इज अलाउड सिंगलेट स्टेट या अलाउड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशंस कहलाते हैं, इनकी संभावना ज्यादा होती है। दीज आर द ट्रिपलेट स्टेट T2 T1, इनकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से कम होती है, ये ट्रिपलेट्स आपकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। यहां से जब इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से वापस आने के लिए उसके पास चार प्रोबेबिलिटीज हैं। पहली प्रोबेबिलिटी वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू आएगा ट्रिपलेट स्टेट में और अपनी स्पिन को चेंज करेगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी चेंज होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन पहली प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी उसने इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किया, दूसरी प्रोबेबिलिटी इंटरनल कन्वर्शन के थ्रू वो वापस आ जाए अपनी मूल अवस्था में, या फिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट करेगा, इस फिनोमेना को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट बनाए। सो देयर इज पहली हमने देखा इंटरनल कन्वर्शन, दूसरा इंटरनल कन्वर्जन, पहला इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तीसरा फ्लोरोसेंस, उसने फ्लोरोसेंस किया, या चौथा उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट की। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू वो वापस फिर से उसके पास तीन संभावनाएं हैं, या तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, यहां उसने प्रोडक्ट बनाया, या फिर वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट इमिट करेगा, इट इज फिनोमेना फास्फोरोसेंस, या फिर वो इंटरनल कन्वर्शन के थ्रू अपनी मूल अवस्था में आ जाए। इस फिनोमेना को होने में 10^-15 सेकेंड्स लगते हैं जब लाइट एब्जॉर्ब होकर के सिंगलेट स्टेट में आती है। सिंगलेट की जो लाइफ टाइम है वो 10^-9 टू 10^-7 सेकेंड, और ट्रिपलेट स्टेट पे जो लाइफ टाइम है 10^-5 टू 10^-3 सेकेंड। फॉरबिडन पर जो आपका ट्रांजिशन होता है इसकी संभावना बहुत कम होती है, यहाँ पर जो ट्रांजिशंस होते हैं उनकी संभावना ज्यादा होती है। हम इन एक्साइटेड स्टेट्स पर जो सिंगलेट और ट्रिपलेट है इस पर किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसको हम आगे के स्लाइड्स पर देखेंगे। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि सिंगलेट स्टेट किस तरीके से ट्रिपलेट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, फास्फोरोसेंस कर रहा है, और इंटरनल कन्वर्शन के थ्रू अपनी मूल अवस्था में आ रहा है। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद एक्साइटेड स्पीसीज क्रिएट होती है, और एक्साइटेड स्पीसीज जो है अपनी एनर्जी लॉस करके डीएक्टिवेशन की प्रोसेस में जाती है। इस डीएक्टिवेशन की वो फोटो प्रोसेस में फोटोकेमिकल काइनेटिकली मल्टीपल पाथवे ऑफ डीएक्टिवेशन होते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द रेट कॉन्स्टेंट करस्पॉन्डिंग टू द यूनिमोलिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज एज्यूम दैट वन फोटॉन एब्जॉर्प्शन लीड टू द डायरेक्ट पॉपुलेशन ऑफ द रिएक्टिव सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, द मैकेनिज्म डिस्क्राइब बाय द करस्पॉन्डिंग स्कीम। Here is scheme number 1, unimolecular reaction. Singlet state, जो हमारी मूल अवस्था थी, we are represent as S, absorb a light H mu and converted into singlet excited state. Singlet excited state का जो deactivation process है वो यहाँ पर चार हमने process में ली है। पहली process है it will be converted into product. रेट कॉन्स्टेंट इज Kr, इट इज कन्वर्टेड इंटू ट्रिपलेट स्टेट, दिस इज रेट कॉन्स्टेंट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटरनल कन्वर्शन एक्टिवेटेड
सिंगलेट स्टेट कन्वर्टेड इनटू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट बाय द इमिशन ऑफ लाइट एंड दिट इज के एफ फ्लोरोसेंट कॉन्स्टेंट। स्कीम वन के अनुसार हम देखेंगे कि एस जो हमारी सिंगलेट स्टेट है लाइट एब्जॉर्ब किए एच म्यू एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डब्ल्यू। हियर डब्ल्यू मीन्स रेट कॉन्स्टेंट इज गिवन के इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस। इट इज रिप्रेजेंटेड एज कॉन्स्टेंट रेट डब्ल्यू। एंड नाउ दिस एक्टिव स्पीसीज कन्वर्टेड इंटू मे बी कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट कन्वर्टेड इंटू ट्रिपलेट स्टेट कन्वर्टेड इंटू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट और कन्वर्टेड इंटू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट विद द इमिशन ऑफ लाइट। इट इज फ्लोरोसेंस इट इज इंटरनल कन्वर्शन इट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इट इज रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द chemical reaction or the product formation. So rate constant of the product formation is given by this equation d concentration of the product converted to dt it is positive because we have taken as a concentration increase ho raha hai product hamara kya ho raha hai badh raha hai product ka concentration kya ho raha hai badh raha hai to yahan jo humne product liya hua hai product ke rate se hum keh rahe change of concentration of product with respect to time it is the rate of the product formation it is equal to kr concentration of reactant any chemical reactions ke liye rate constant rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant is reaction ke liye jo hamara reactant hai wo singlet excited state hai jiski population light ke absorption yani one photon of light ke absorption ke baad hui thi what is the intensity of light डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसलिए हमने यहाँ पर W रेट कांस्टेंट लिया हुआ है। KF रेट कांस्टेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन KIC रेट कांस्टेंट ऑफ इंटरनल कन्वर्शन KIC रेट कांस्टेंट ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव स्पीसीज S स्टार या एक्टिवेटेड सिंगलेट स्टेट इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बन रही है और कहाँ पर ये खर्च हो रहा है सो वी हैव टेकन इज नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि केवल सिंगल स्टेप ये जो हमारी सिंगल स्टेप है यहाँ पर ये बन रहा है सो इट इज पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में ये बन रहा है इसलिए पॉजिटिव है बाकी सभी में नेगेटिव था so we have taken negative common लिया है kr plus kisc plus kic plus kf bracket के अंदर लिखा और concentration of s star so now we take the concentration of s star so we apply steady state approximation means कि बहुत कम थोड़े समय में डेल्टा एस का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है सो वी हैव टेकन एज अ जीरो डब्ल्यू माइनस ये हमारे पास इक्वेशन आई तो एस स्टार इज इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू अपॉन के एफ प्लस के आई एस सी प्लस के आई सी प्लस के एफ सो रेट ऑफ रिएक्शन वी पुट द वैल्यू ऑफ एस स्टार हियर इस इक्वेशन में यदि हम रखते हैं तो आपके पास आ जाता है के आर डब्ल्यू अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस KISC plus KF ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस निकल आई कि पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है रेट ला जिसको कि हम केमिकल रिएक्शन का रेट ला कहते हैं ये हमने स्कीम एक मानी है जहां पर हमारी स्कीम है कि जब हमने लाइट को लाइट देने के बाद जो हमारी सिंगलेट स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट में आई और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हमने फॉलो किया है। KR it is rate constant of chemical reaction and W
इन मोल पर सेकेंड इट इज द पॉपुलेशन ऑफ एस स्टार बाय लाइट एब्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का पॉपुलेशन जो हो रहा है, कंसंट्रेशन जो हो रहा है लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद, इट इज गिवन बाय द डब्ल्यू। सो नाउ वी कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्वांटम यील्ड इज डिनोटेड बाय द फाई एंड इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ एस स्टार, एस स्टार की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे जो बराबर है डब्ल्यू बटे के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के आर। सो यहाँ डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया और आपके पास के आर बटे के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के आर। The steady state approximation is inapplicable under condition of time dependent excitation. If a very short laser pulse is used to produce the excited species, the light absorption rate W can be neglected. यदि हमने बहुत लाइट लेजर पल्स इस्तेमाल करी है, लाइट को बहुत थोड़ा सा पार्ट इस्तेमाल किया है, तो हम उस W को यानी लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है D कंसंट्रेशन ऑफ S स्टार बटे dt इज इक्वल टू W, W को निग्लेक्ट करेंगे हम और S स्टार को यहाँ से यहाँ लेकर के आएंगे, dt को यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे और हम सिंपली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट होती है उसकी तरह हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब t इज इक्वल टू जीरो होगा तो इट इज एस स्टार, इट इज कॉल द इनिशियल कंसंट्रेशन, जब हमने लाइट को हटा लिया है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एस स्टार इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस स्टार नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ नॉट। टॉ नॉट इज द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। जो हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी उसकी ऑब्जर्व लाइफ टाइम जो है उसको हम टॉ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के एफ के बराबर होती है। इट इज लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। हम समझेंगे कि एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एस स्टार, हियर इज द एस स्टार, एस स्टार इट इज इक्वल टू एस स्टार नॉट। वॉट इज एस स्टार नॉट? It is a instant light is removed, concentration of excited state is given by the this representation S star naught। ये इस इधर पे हमने light हटाई और light हटाने के बाद आप देखेंगे कि concentration जो है वो किस तरीके से आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। X axis है, X axis पे हमने क्या लिया हुआ है, time लिया हुआ है, it is time। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ एस लिया हुआ है, इट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है हमारी। यहाँ पर हमने ये लाइट थी, लाइट को जैसे ही रिमूव किया, ये कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है एस स्टार नॉट से। द एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन एस स्टार विल डिके एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर एक टाइम पर आप देख सकते हैं, इस टाइम पर इसका कंसंट्रेशन और इस टाइम पर आप कंसंट्रेशन देख सकते हैं, टी टाइम जीरो है। तो ये आपकी लाइफ टाइम जो है कितनी चेंजेस होती है, उसकी कितनी लाइफ टाइम होती है, वी कैन रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला जो लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एस स्टार ई टू द पावर माइनस टी अपॉन tau naught। It is the lifetime of the 1 upon tau naught. It is represent the lifetime of the excited state. Now we have taken the another deactivation process of the excited state. Here we represent the rate constant of the all deactivation process for the excited state. यहाँ excited state जो आपकी है उसका deactivation के लिए हम तीन process लेंगे। एक वो फ्लोरोसेंस करेगा, एक वो आईएससी के थ्रू ट्रिपलेट स्टेट में बदलेगा, एक वो इंटरनल कन्वर्शन के थ्रू आपका सिंगलेट स्टेट में आएगा। इसको रिप्रेजेंट किया है के एफ प्लस वन अपॉन के, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
आपका लाइफ टाइम एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन के ए प्लस के एन आर एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन के एफ. फाइ नॉट इज द क्वांटम यील्ड ऑफ द पर्टिकुलर डीएक्टिवेशन प्रोसेस एंड के एफ इज द फ्लोरोसेंस प्रोसेस. तो इन फ्लोरोसेंस बेसिकली इट इज अ फ्लोरोसेंस प्रोसेस बिकॉज वी हैव टेकन अ फ्लोरोसेंस. तो फिजिकली इट करस्पोंडिंग टू द टाइम टेकन फॉर द चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द और एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिव स्पीसीज ए एस नॉट स्टार टू द एस स्टार. सो दिस इज रिलैक्सेशन प्रोसेस टू द वन अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एस स्टार नॉट. जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था जब हमने लाइट हटा दी थी उस समय जो एस का कंसंट्रेशन था उसको एस तक यानी टाइम टी टाइम पर आने पर कितना आपका चेंज समय लगता है उसको हम रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं. क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस. क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इज गिवन बाय फाइ नॉट. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड एस फ्लोरोसेंस प्रोसेस एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब. फ्लोरोसेंस प्रोसेस में जो हम डीएक्टिवेशन प्रोसेस का रेट कैलकुलेट करेंगे उसमें हम तीन डीएक्टिवेशन प्रोसेस को कंसीडर करेंगे, फ्लोरोसेंस प्रोसेस को, इंटरनल कन्वर्शन को और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को. सो रेट ऑफ फ्लोरोसेंस इज इक्वल टू द के एफ कंसंट्रेशन ऑफ एस स्टार एंड द रेट ऑफ ऑल डीएक्टिवेशन प्रोसेस इज इक्वल टू के एफ into S star plus K ISC concentration of S star plus K ISC concentration of S star. So our phi naught is equal to हो जाएगा KF upon KF plus KNR. KNR is equal to KIC plus KISC. दोनों जो हमारे non radiative rate constant है उनको हमने represent किया है KNR से. Now we have taken another kinetic scheme to include biomolecular process. Biomolecular process means the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the two reactant. Here one reactant is the S star and another reactant is represented by the Q. What is Q? The shortening of the lifetime of the excited state by the presence of another species, this process is called quenching. And the molecule through collision with S star can remove excited energy called the quencher. So Q is represented as a quencher. Before fluorescence process, S star collide with the Q and diminish the or almost stop the fluorescence process. It is called the quenching. So mechanism can be expressed by this step. S star plus Q converted into S plus Q star. S is singlet ground state and Q star is the excited species which collide with the S star. KQ is the rate constant for the reaction. So the rate of reaction is equal to KQ, concentration of S star and concentration of Q. So what is the quantum yield of the particular process? So quantum yield in the presence of quencher is equal to the rate of fluorescence upon the rate of all deactivation process. So deactivation process, one is KF, another is IC, next one is ISC and also one is collision with the quencher. So KQ, S star and the concentration of Q. We have taken S star as a कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा आपका एस स्टार से एस स्टार. सो अवर फाई नो फाई इज इक्वल टू के एफ अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू. यहाँ पर आपका के आई एस सी और के आई सी को हमने बताया था कि दोनों नॉन रेडिएटिव कॉन्स्टेंट हैं तो हम इनको कॉमन रूप में के एन आर भी लिख सकते हैं. Now we derive the Saturn-Bowman equation. What is the Saturn-Bowman equation? It is the ratio between the quantum yield of the presence and absence of quencher. Presence is represent the phi and absence is phi naught. Phi naught is the quantum yield of the fluorescence process and Q is the quantum yield in the presence of the quencher.
एब्सेंस ऑफ पिंचर इज कॉल्ड द क्वांटम यील्ड ऑफ द फ्लोरोसेंस. सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी एंड प्रेजेंस ऑफ पिंचर इज के एफ अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू. दोनों क्वांटम यील्ड को हमने रेशियो लिया है. यहाँ पर हमारा एक के एफ प्लस के आई एस सी प्लस के आई एस सी आएगा, आई सी प्लस के आई एस सी आएगा. ये कॉन्स्टेंट को हमने इससे कॉमन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस के क्यू अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी आएगा और इसी को कॉमन रूट में लिखा हुआ है हमने, तो ये पर के एन आर्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो व्हाट इज दिस, यहाँ पर हमने के क्यू क्यू 1 अपॉन के एफ प्लस के आई एस सी के आई एस सी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते, एस सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 अपॉन के एंड 1 अपॉन के इज द लाइफ टाइम ऑफ द एब्सेंस ऑफ पिंचर. सो अवर इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एज ए क्यू नॉट अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के क्यू हियर कॉन्स्टेंट एंड के क्यू और 1 अपॉन इस कॉन्स्टेंट की जगह 1 अपॉन के की जगह हमने टाउ नॉट एफ लिया हुआ है. इट इज द लाइफ टाइम इन द एब्सेंस ऑफ पिंचर. सो ये आपका क्विंचर का कंसंट्रेशन है, ये लाइफ टाइम है, ये क्विंचर कांस्टेंट है, ये आपकी क्वांटम यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर एंड इट इज द एब्सेंस ऑफ क्विंचर मींस फ्लोरोसेंस की क्वांटम यील्ड है. यहाँ इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है हमने एक्स एक्सिस पर क्यू का कंसंट्रेशन यानी क्विंचर का कंसंट्रेशन, ये रेशियो लिया हुआ है. और यदि हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन विद द इंटरसेप्ट 1 पे मिलती है एंड स्लोप वैल्यू गिव्स दी टाउ नॉट के क्यू. सो वी कैन कैलकुलेट द लाइफ टाइम ऑफ दी इन एब्सेंस ऑफ द क्विंचर, वी कैन कैलकुलेट द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. फॉर द फर्दर रीडिंग आप लोग इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फोटोकेमिस्ट्री की जो भी इस टॉपिक्स को जो हमने रिलेटेड टॉपिक्स अभी पढ़े हैं एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट, उसको आपको समझने में आसानी होगी. सो इट इज द टाइम ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट द फ्लोरोसेंस वेवलेंथ इज ऑफन मच लॉन्गर देन द इरेडिएशन वेवलेंथ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच फेनोमेना. नेचुरल है कि हमने अभी देखा कि जो वेवलेंथ हम दे रहे थे उस वेवलेंथ से या जो फ्रिक्वेंसी हम दे रहे थे उस फ्रिक्वेंसी से हमको वही फ्रिक्वेंसी ना मिल करके अनदर फ्रिक्वेंसी मिल रही थी. जो प्रोसेस हमारी 10^-15 सेकेंड्स में एक्साइटेशन हो रहा था, रिलैक्सेशन टाइम उनका आप सिंगलेट स्टेट में अलग था, ट्रिपलेट स्टेट में अलग था और फ्रिक्वेंसी भी फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस की दोनों की फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही थी. सो व्हाई द आंसर इज दैट द रीजन व्हाई स्ट्रोक शिफ्ट दिस शिफ्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोक शिफ्ट अकर इन द फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल. वो बताता है हमको कि ए चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटॉन अकर सो रैपिडली दैट द मोशन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कैन बी निग्लेक्टेड. After the electronic transition is complete, the molecule nuclear coordinates then relax into a lower energy configuration is respond to the change in the electronic wave function. So naturally we can explain this phenomena by the Frank quantum principle. Now the second question is which state electron possessed highest stable. So answer is naturally ground state. Ground state mein आपके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं. इट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इन वाटर द फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड एंड ऑब्जर्व फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम ऑफ ट्रिप्टोफेन आर फाइ नॉट इज इक्वल टू 0.20 एंड टाउ नॉट इज इक्वल टू 2.6 नैनो सेकेंड रिस्पेक्टिवली. द फ्लोरोसेंस रेट कॉन्स्टेंट के एफ इज, आपको फ्लोरोसेंस रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है. फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम आपका दिया हुआ है टाउ नॉट इज इक्वल टू 2.6 नैनो सेकेंड और उसकी क्वांटम यील्ड जो दी हुई है इट इज इक्वल टू 0.20. आपके पास याद होगा हम लोगों ने अभी अपने लेक्चर में देखा था टाउ नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन के एफ. इससे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए के एफ
इज इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन फाई नॉट अपॉन टाउ नॉट, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, आपकी जो टाउ नॉट की यानी लाइफ टाइम की फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम की जो वैल्यू दी है वो नैनो सेकेंड में दी है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, और उससे हम लोग जो वैल्यू को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं 0.20 हमने फाई नॉट की वैल्यू रखी है, 2.6 × 10⁻⁹ सेकेंड हमने टाउ नॉट यानी लाइफ टाइम की जो वैल्यू है उसको पुट किया है, और 7.7 × 10⁷ सेकेंड इनवर्स में हमारी वैल्यू आई है। ये हमारी के एफ की वैल्यू है, इट इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट। एसेस यूर सेल्फ, क्लिक टू द फॉलो लिंक एंड इट इज अ गूगल फॉर्म एंड यू कैन सॉल्व द अनदर क्वेश्चंस फॉर योर असेसमेंट। थैंक यू।